नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर साल 2018 के बैच के दरोगा शशांक कुमार ने बड़ा कदम उठाया और उन्होंने अपने बहन के घर पर जाकर ये कदम उठाया। खबर झारखंड के रांची से, जहां पर लालपुर थाने में पदापिस्त यहां पर साल 2018 के दरोगा शशांक कुमार अपनी बहन के घर पर पहुंचे और उन्होंने ये कदम उठाया। दरअसल उस पर साल 2022 में रांची के एक हॉस्टल में रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगाया था। इसी आरोप की सीसीआईडी से जांच की और सीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार पर पुलिस विभाग ने शशांक कुमार के ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुमति दी थी, जिसे बदनामी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। जानकारी के अनुसार शशांक दरोगा अपनी बहन के हजारीबाग यहां आया हुआ था, उन्होंने ये कदम उठाया। बताया जा रहा है तकरीबन शाम 5:30 बजे संदिग्ध तौर पर फांदे पर शामिला परिवारजन राज की सीएससी पहुंचाया गया, वहां पर उन्हें घोषित कर दिया। फिलहाल जांच की जा रही है। साल 2022 में लालपुर थाने में उन्होंने उसके एक पड़ोस में रहने वाले एक हॉस्टल में बताया जा रहा है कि मोबाइल पर युवती से बातचीत करना शुरू हुआ था, इस पर उन्होंने आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इतना ही नहीं, मंदिर में शादी कराने की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल अब जांच की जा रही है। तमाम खबरों के लिए बने रही चैनल पर। लाइक शेयर कमेंट करें।